वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। अगर आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात कर रहे हो तो हो जाओ सावधान, क्योंकि आपके पीछे मोबाइल चोर है। पालघर जिले के वसई मानिकपुर पुलिस ने इस चोर को पकड़ा है, जो रोड पर चल रहे बाइक सवार अपने कान में मोबाइल लगाकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने जान से खेलते हैं। उन्हीं लोगों के मोबाइल चोरी करने वाले मानिकपुर पुलिस ने दो चोर को पकड़ा है। आप जैसे गाड़ी चलाते हो उसी समय मोबाइल पर बात करते हो, वैसे चोर आपके फ़ोन लेकर भाग जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो यह चोर अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए ऐसा चोरी करते हैं और किसी की भी जान पहचान वाले को सस्ते भाव में बेचते हैं। जो पैसे मिले उसे मौज मस्ती करते हैं। सभी आरोपी 20 साल के हैं। पुलिस को इनके पास से एक गाड़ी भी बरामद हुई है, जिससे यह मोबाइल खींचकर भागते थे। अभी तक 13 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है और आगे की जांच भी चालू है। पुलिस थाने के जुडिशन में मोबाइल चोरी वाले काफ़ी हादसे हुए थे। माननीय एसपी सो और एडिशनल एसपी सो तथा डिप्टी मैडम, इनके मार्गदर्शन पर हमने डिटेक्शन स्टाफ और ऑफिसर्स इनको गिरफ्त किया था। उनको रिकॉर्ड पे जितने आरोपी है उनको चेक करने के लिए बताया था, जैसे वरिष्ठ साहब ने बताया था, तो उसमें हमने 3 आरोपियों को पकड़ा है। 3 आरोपियों के से नाला सोपारा अचोला एरिया में से हम उनको पकड़ा है। उनके पास से हमने अभी तक 10 मोबाइल रिकॉर्ड किए हैं और उनकी जो गाड़ी पे जो स्कूटी है वो भी हमने बरामद की है। सर, इनका एज लिमिट क्या है? इनकी एज है 19 से लेकर 30 तक की है और ये अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। इनका मोबाइल पे जो आदमी बात करते जा रहा है उसका फ़ोन खींच के चोरी करने का मकसद था। इनका और कौन है, गैंगस्टर कौन है, इनका बड़ा कौन है जो इनको इस तरह से क्राइम करने पे ढकलता है? नहीं, ऐसा कोई तपस में ये नहीं आया है कि इनका कोई ऐसा गैंग नहीं है। ये सिर्फ मोबाइल चोरी करके बेच के इसका ये पैसा कमाते थे। सर, का और इनका जिना बैकग्राउंड हमने अभी तपास में चालू है। इसमें मानिकपुर के का 8 गुने है, वालियों का 1 है और तुलिन पोल्यूशन का 1 है, ऐसे कुल मिला के 10 गुने। सर, इनके पास तक आपने पहुँचा कैसे, क्या कोई लाइव वीडियो या कोई सीसीटीवी? हमने सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए, उसमें हमको इसमें से एक आरोपी जो है इसका पता मालूम पड़ा और उससे हमने दबोच लिया। उसके बाद बाकी 2 जो है बाद में अरेस्ट किया। सर, ये लोगों से ही छीनते थे या कहीं दुकानदार लोगों से ही चालू मोबाइल छीनते थे? सर, उनसे कुछ पता चला है क्या ये इजी मनी जैसा है, ये मोबाइल छीनना इजी मनी मिल जाता है, इसके लिए वो लोग ज़्यादा करते थे? नहीं, ये जो है सिर्फ मोबाइल खींच के वो चोरी करने इनका मकसद था और कोई नहीं। और किसी को बेचते थे कैसा क्या? ये किसी पहचान वाले दोस्त को बेचना या किसी अनजान आदमी को बेचना, ये इनका मकसद था।